जैसा कि सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई करते हुए अवैध बुचड़खाने बंद करवा दिए गए और गोकश्ती पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का स्वरूप माना जाता है, हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सैकड़ों गाय पाले हुए हैं और उनकी सेवा करते हैं। अतः सरकार के इस फैसले से प्रदेश में गोहत्या बंद तो हो गई है, लेकिन उसके बाद गायों और सांडों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। लोग दूध न देने वाली गायों एवं बछड़ों को खुले में छोड़ देते हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसलिए जहां देखो वहां गाय और सांड ही दिखते हैं। बाजारों में, सड़कों पर, गांवों में, चारों तरफ इन गायों और सांडों के वजह से अब तक प्रदेश में कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। और गांवों में तो और भी बुरा हाल है। किसानों के लिए ये सांड और गाय किसी आपदा से कम नहीं साबित हो रहे हैं। गायों और सांडों की झुंड हरी भरी फसल चंद घंटों में ही चर जाते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जिनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं आ पाया है इस बार। किसान एक तो वैसे ही महंगी खाद, बीज और महंगे संसाधनों के बोझ तले दबा रहता है और ऊपर से कर्जदार भी रहता है। दूसरी तरफ ये सांडों और गायों के झुंड फसल बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में किसान मजबूर होकर सांडों और गायों को पकड़कर सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में बंद कर विरोध कर रहे हैं। ऐसी खबर जब सरकार तक पहुंची तब उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी नगर निकायों तथा गांवों में अस्थायी गौशाला खोली जाएंगी। सरकार ने आवारा गोवंश की समस्या के लिए ये कदम उठाया है। सरकार की नीति साफ है कि गोकसी नहीं होने दी जाएगी और आवारा पशुओं के लिए गौशालाएं खोली जाएंगी। इन कार्यों में आने वाले खर्च के लिए शराब और राज्य सरकार के टोलों पर 0.5% का अतिरिक्त उपकर और उत्पाद शुल्क पर 2% उपकर लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने अतिशीघ्र गौशालाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपया दिया है। जिलों में, ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्र में लगभग 1000 आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनेगी। इसके वित्तीय प्रबंधन के लिए आबकारी विभाग 2% गोकल्याण शेष लगाएगा। इसके साथ अन्य लाभकारी संस्थान अपने लाभ का 0.5% गोकल्याण के लिए देंगे। वहीं मंडी परिषद भी अपने लाभ का 2% पैसा गोकल्याण के लिए देगी। सरकार ने बता दिया है कि राज्य में किसी भी कीमत पर गोहत्या की अनुमति नहीं दी जाएगी। गांव में गौशाला का निर्माण पंचायतों द्वारा किया जाएगा और शहरों में स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह सराहनीय कदम है। इससे आवारा पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और गांवों में किसानों के फसलों को नुकसान से भी बचाया जा सकेगा। सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माना का प्रावधान भी किया है जो दूध न देने वाली गाय और पशुओं को छोड़ देते हैं। अगर किसी ने गोवंशों को छोड़ा तो उसे 2000 रुपये से लेकर 20000 रुपये तक जुर्माना एवं जेल जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।